Hello students, today I am going to teach you lesson number 10, Funny Bunny. One day a nut fell on Funny Bunny. अब ये पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये फनी बनी है. एक दिन क्या हुआ, उसके सिर पे क्या गिरा, नट गिरा. Ouch! The sky is going to fall, said Funny Bunny. I must tell the king. उसने क्या बोला, Ouch! जैसे उसके ऊपर गिरा वो नट, तो उसने बोला Ouch! The sky is going to fall. उसे लगा कि आसमान गिर गया. उसको ऐसे लग रहा है कि अब आसमान गिरने वाला है. और उस फनी बनी ने बोला कि मुझे ये बात किंग को बतानी होगी. वो वहाँ जंगल में रहते थे, तो उसको उसके वहाँ जंगल के किंग को उसे बतानी पड़ेगी. उसने ऐसे बोला. ऑन द वे ही मेट हनी पैनी. द सन इज गोइंग टू फॉल, सेड फनी बनी. आई एम गोइंग टू टेल द किंग. उसने बोला, रास्ते में ही वो जा रहा था, तो वो किससे मिला, हनी पैनी से मिला. और उसने उसको बोला कि स्काई गिरने वाला है अब, और मैं ये बात किंग को बताने जा रहा हूँ. वो भी उसने ये उससे भी बोला कि मैं जा रहा हूँ. नेक्स्ट, आई विल कम टू, सेड हनी पैनी. एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग. सो दे मेट कॉकी लॉकी. अब उसने भी क्या बोला कि मैं भी, हनी पैनी ने क्या बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ किंग को बताने के लिए. और वो वैसे ही किंग को ढूंढते हुए गए वहाँ पे. किंग को बताना था उन्हें, तो वो किंग को ढूंढने के लिए गए, और उन्हें रास्ते में कौन मिल गया, सून दे मैट कॉकी लॉकी. और बीच में उन्हें एक कॉकी लॉकी मिल गया. देखो अब ये हनी पैनी मिला, और फिर उसी के बाद, अगर आपको पिक्चर्स प्रॉपरली नहीं दिख रही या नहीं दिख रहे, तो आपको वीडियो देखने वक्त मैरीगोल्ड बुक साथ में रिफ़र करनी है. नेक्स्ट, अब उसके आगे क्या हुआ, द स्काई इज गोइंग टू फॉल, सेड फनी बनी. आई एम गोइंग टू टेल द किंग. उसने अभी फिर साथ बीच में उनको कॉकी लॉकी मिला था ना, यहाँ पे देखो ये कॉकी लॉकी उसे वो मिला था ना, तो उसने क्या बोला कि मैं जा रहा हूँ, अब स्काई गिरने वाला है, और ये बात मैं बताने जा रहा हूँ किंग को. उसने कॉकी लॉकी को भी ये बोला, तो कॉकी लॉकी ने क्या बोला, आई विल कम टू, सेड कॉकी लॉकी. कॉकी लॉकी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ किंग को बताने के लिए. एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग. और फिर से वो किंग को, वो तीनों कौन, फनी बनी, फिर हनी पैनी और कॉकी लॉकी, ये तीनों गए किंग को ढूंढने. ऑन द वे दे मेट लकी डकी. देखो ये डक्स दिख रही है ना, तो लकी डकी नेम है उनका यहाँ पे, ये डक्स को. तो उनको वे में, रास्ते में ही उनको कौन मिल गया, लकी डकी मिल गई. और उन्होंने उनको भी बताया, द स्काई इज गोइंग टू फॉल, सेड फनी बनी. और फनी बनी को तो इतना वो ऐसे हो गया था ना, तो वो सबको ही बताने लगा कि स्काई अब गिरने वाला है. तो उसने वो लकी रकी को भी वही बोला कि स्काई गिरने वाला है, और मैं ये बात किंग को बताने के लिए जा रहा हूँ. आई विल कम टू, सेड लकी डकी. लकी डकी ने क्या बोला कि मैं भी तुम लोगों के साथ आती हूँ. एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग. ऑन द वे दे मेट पूजी जूजी. और फिर वो फिर से रास्ते में गए, वो जा ही रहे थे किंग को मिलने के लिए, और ढूंढ रहे थे उनको ये बताने के लिए. और रास्ते में उनको कौन मिल गया, पूजी जूजी मिल गई. और फिर से उसने, फनी बनी ने क्या बोला था, क्या बोला होगा उन्होंने, आपको पता ही है फनी बनी ने क्या बोला था, द स्काई इज गोइंग टू फॉल. कि वो उनको भी बोलने लगा कि स्काई गिरने वाला है, और हम सब लोग किंग को बताने चल रहे. तो पूजी जूजी ने बोला कि मैं भी आप लोगों के साथ आते हूँ. And off they went to find the king. On the way they met Woxy Foxy. और उनको Vox मिल गया रास्ते में ही, उनको वो मिल गया. देखो ये पिक्चर में दिख रहा है कि ये सब लोग बताने के लिए जा रहे थे किंग को, और फिर वे में उनको ये Fox मिल गया. द स्काई इज गोइंग टू फॉल, दे ऑल सेड. इन सब ने क्या बोला साथ में, फनी बनी ने सबको यही बोला था कि मैं वो बताने जा रहा हूँ. और उसने, उन सब ने फिर क्या बोला उसको, वॉक्सी फॉक्सी को, कि स्काई इज गोइंग टू फॉल, वी आर गोइंग टू टेल द किंग. द किंग लिव्स हियर, सेड वॉक्सी फॉक्सी, फॉलो मी. और फिर उसने बताया कि यहीं पे ही देखो कि यहाँ पे किंग रहता है, आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको किंग से मिलवा लेता हूँ. एंड देट वॉज द एंड ऑफ फनी बनी, हनी पैनी, कॉकी लॉकी, लकी डकी एंड पूजी गूजी. मतलब ये जो 1, 2, 3, 4, 5 ये सब लोग गए थे बताने के लिए, और बीच में उनको कौन मिल गया था, फॉक्स मिल गया था, वॉक्सी फॉक्सी. तो उसने, वॉक्सी फॉक्सी ने क्या बोला, किंग यहीं रहते हैं, चलो मैं, मेरे साथ चलो. तो वो वहाँ पे लेके गया, और वही एंड था इन सब का. ये जो ग्रुप में ये सब गए थे ना, इन सब का वही एंड हो गया, एंड था. तो मतलब वो किंग पे नहीं मिल, किंग से तो नहीं मिल पाए थे. क्या हुआ, वॉक्सी फॉक्सी ने उनको मार दिया था. अंडरस्टूड. Now we move to our textbook exercise. These all things we will discuss in our
notebook. You have to rearrange these words to form the sentence. Number one, on, ये सब आपको क्या करना है, rearrange करना है. मैं आपको एक example बता देती हूँ. क्या लिखा है on? Funny bunny fell a nut one day. तो क्या लिखना है, one day a nut fell on funny bunny. एक दिन nut गिर गया था funny bunny के ऊपर. Number two, the sky is falling down, said funny bunny. Funny bunny ने ये बोला था ना कि sky गिर रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, the sky first is falling down, said funny bunny. Number three, I must tell the king. क्या लिखेंगे, I must tell the king. The king lives here. Number four, the king lives here. यहाँ पे king रहते हैं, उन्होंने बोला था ना वॉक्सी फॉक्सी ने. Now we move to our notebook exercise. Okay. Now we move to our notebook exercise. First new words, number one nut, number two honey, number two penny, number three, number four soon, cocky, locky, lucky, ducky, poozy, goozy, woxy, foxy, funny, bunny, sky, fall. Now question number one, answer the following questions. अभी हमने देखी थी story, अब उसी के related कुछ question answers है. Let's see. Number one, what thing fell on funny bunny? क्या गिर गया था funny bunny के ऊपर? Sky गिरा था? No. Answer, a nut fell on funny bunny. Funny bunny पे क्या गिरा था? एक nut गिरा था. What is going to fall? क्या गिरने वाला था? Answer, the sky is going to fall. क्या गिरने वाला था सबको, यही उसे यही लगा था ना कि क्या गिर जाए, क्या गिरने वाला है, तो स्काई गिरने वाला था उसे लग रहा था. नंबर थ्री, व्हाट हैपेंड टू ऑल द एनिमल्स इन द एंड? अब आंसर, एंड में जब वो गए उसके आगे क्या हुआ था, सारे एनिमल्स जब बताने जा रहे थे किंग को कि द स्काई इज गोइंग टू फॉल, तो तब क्या हुआ? आंसर, वॉक्सी फॉक्सी किल्ड ऑल द एनिमल्स इन द एंड. वॉक्सी फॉक्सी ने कहा था ना कि इस तरफ आ जाओ, तो एंड में क्या हुआ, वॉक्सी फॉक्सी ने, वहाँ पे तो किंग था ही नहीं, और वॉक्सी फॉक्सी ने सारे एनिमल्स को मार दिया था. क्वेश्चन नंबर टू, फिलिंग द ब्लैंक्स. नंबर वन, वन डे डैश फेल ऑन फनी बनी. एक दिन क्या गिरा था फनी बनी पे? नट. सो यू हैव टू राइट NUT, नट. नंबर टू, फनी बनी वॉन्टेड टू टेल डैश वॉट ही सॉ. उसने जो देखा वो किसको बताने जा रहा था फनी बनी? द किंग. तो आपको लिखना है द किंग. क्वेश्चन नंबर थ्री, हु सेड द फॉलोइंग. अब यहाँ पे एक सेंटेंस है और आपको बताना है कि ये किसने बोला था. नंबर वन, आउच, द सन, द स्काई, द स्काई इज गोइंग टू फॉल. ये किसने बोला था, आउच द स्काई इज गोइंग टू फॉल? ये किसने बोला था? फनी बनी ने बोला था. नंबर टू, द किंग लिव्स हियर, फॉलो मी. ये किसने बोला था कि यहाँ पे किंग रहता है और मेरे साथ आओ? वॉक्सी फॉक्सी ने बोला था. So you have to write Woxy Foxy. Question number four, write opposites. Number one, fat means mota. तो उसका opposite क्या होगा? Thin, पतला. Number two, fall means गिरना. तो उसका opposite क्या उठना होगा? तो rise, RISE, rise. Number three, start means कुछ भी start करना, शुरू करना. तो उसका opposite क्या होगा? Finish means खत्म, FINISH, finish. Number four, come means आना. तो उसका opposite क्या होगा? Go, जाना. नंबर फाइव, बिग मीन्स बड़ा. तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? स्मॉल, छोटा. क्वेश्चन नंबर फाइव, राइट राइमिंग वर्ड्स. लास्ट क्वेश्चन, नंबर वन, आउच. तो उसका राइमिंग क्या होगा? पाउच. नंबर टू, डाउन, क्लाउन. नंबर थ्री, ब्रे, से. नंबर फोर, फॉलो, हलो. नंबर फाइव, किंग, रिंग. नंबर सिक्स, सून, मून. नंबर सेवन, मेट, गेट. नंबर एट, वे, रे. नंबर नाइन, बैट, रेट. नंबर टेन, फेल, टेल. ओके, राइमिंग वर्ड्स आपको पता है ना, जो साउंड सेम करते वही उसे हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. तो दीज आर राइमिंग वर्ड्स. दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर. थैंक यू स्टूडेंट्स.